the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरजोत क्रिएशन। और जैसा कि आपने बाहर थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको फोटोशॉप टच यानी कि पीएस टच ऐप की फुल डिटेल देने वाला हूं। हर एक टूल के बारे में बताने वाला हूं मैं उसके, और उस ऐप का मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूं आज। तो सबसे पहले हम अपना पीएस टच ऐप ओपन कर लेते हैं। अगर आप ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मैं उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये ऐप फ़िलहाल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि हमने अपना एडोब फोटोशॉप टच यानी कि पीएस टच यहां पे ओपन कर लिया है, तो हमें सबसे ऊपर में यहां पे दिख रहा फोटो न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम फोटो लाइब्रेरी, यहाँ पर हम फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। ये हमारे गैलरी से कोई भी फ़ोटो हम एक ले लेंगे जिसको हमें एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे एक ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो मैंने ले लिया। तो अब हम इसके बेसिक टूल्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे जो उसमें सबसे पहले मिलते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमारा टूल है, देखिए अब मैं टूल सिलेक्ट कहाँ से करूँगा, ये आपको लेफ़्ट साइड के सबसे नीचे जो कॉर्नर है यहाँ पर मैं क्लिक कर रखूँगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो चार टूल मुझे इधर मिल जाते हैं, फिर थर्ड नंबर पे मैं जाऊँगा तो मुझे चार टूल इस साइड हो जाते हैं मेरे, और एक बार फिर और अगर दूसरे नंबर पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे चार टूल हो जाते हैं, और फर्स्ट नंबर पे जाऊँगा तो चार टूल मुझे यहाँ मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास मिला जुला के 16 टूल्स हमें मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर वाला टूल ले लेता हूँ जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। तो बेसिकली ये क्लोनिंग टूल ही है, तो मैं आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक रॉड देख रहे होंगे, नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे एक रॉड। तो हम इस मतलब कि अगर बीच में अगर ऐसी आपके कोई फ़ोटो में रॉड आ जाए जो कि आप नहीं चाहते कि आपकी फ़ोटो में रहे, तो क्लोनिंग से आप उसे हटा सकते हैं। मैंने क्लोनिंग पे और एक वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैंने एक ऐप के बारे में बताया, टच रिटर्न। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना, शायद वो ऐप आपके बहुत काम आए। तो फिलहाल हम यहाँ की बात करते हैं कि इसे क्लोन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें वहाँ पर जिस चीज़ का टेक्स्चर देना है वहाँ पर हम सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन टेक्स्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हल्का हल्का मैंने लगाया, यहाँ पे हल्का सा ग्रीन टेक्सचर सिलेक्ट किया। वहाँ पर देखा टेक्सचर सिलेक्ट करने के लिए पहले मैं फिर सोर्स पे फिर से क्लिक करना होगा। अगर मैं फिर से टेक्सचर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए अब सोर्स से वाइट वाइट हट चुका है, यहाँ पे हमने हल्का किया, फिर हमें सोर्स पे क्लिक करना होगा, फिर हमें हल्का यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, फिर हमें हल्का सा यहाँ पे हमें फिर से लेना होगा, और यहाँ हल्का सा देखिए अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई रॉड थी भी, इतना बेहतरीन यहाँ पे क्लोन हुआ है। पिक्सआर्ट में भी क्लोन का टूल है, जो लोग पिक्सआर्ट यूज़ करते हैं उन्हें तो पता ही होगा क्लोनिंग क्लोन टूल के बारे में, अदर लोग को भी पता होना ही चाहिए जो बाकी लोग जो पिक्सआर्ट नहीं यूज़ करते हैं। तो वैसे ये टूल मेरे हिसाब से पिक्सआर्ट के क्लोन टूल से बेहतर है, क्योंकि ये बहुत उसका साइज़ बहुत छोटा रहता था उसके सोर्स का, और ये एक क्लिक में मतलब कि एक क्लिक में नहीं हुआ है, एक क्लिक में मैं टच रिटच ऐप के बारे में बताया था, जिसकी मैंने आपको बताया कि मैंने उसकी भी क्लोनिंग पे एक वीडियो बनाई थी, अब जाके देख लेना ज़रूर आपको काम आएगी। फिलहाल हम पिक्सआर्ट से इसे कंपेयर बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसके टूल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर मिलता है हीलिंग ब्रश टूल, तो इसका भी वही काम है क्लोनिंग का। यहाँ पर पहले हम हल्का सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम रेड वॉल पे हमने कर लिया, बस इसकी ये ओपेसिटी कम कर देता है टेक्सचर की, ओपेसिटी कम कर देगा टेक्सचर की। जैसे कि हम अगर यहाँ पे सोर्स में अगर हम रेड वाली जगह ले लेंगे और इसे हम हील करेंगे ऊपर जो ग्रीन टेक्सचर है उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं रेड रेड है बट यह ओपेसिटी कम है। बस इसका दूसरे नंबर के टूल का भी यही काम है। इधर हम अभी फ़िलहाल बैक कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पर और भी टूल चेक करने हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के टूल पे जो है ब्लर टूल। ये फ़ोटो तो वैसे भी DSLR की है तो मैं कहाँ ब्लर करूँ, फिलहाल मैं इसकी शर्ट पे आपको ब्लर करके दिखाता हूँ।
ब्लर यहाँ पे 4.1 है। और ब्रश का साइज सेट आप अपने मर्जी से कर लो, यहाँ मैं बड़ा छोटा कर लेता हूँ शर्ट के हिसाब से। आप सब कुछ अपने हिसाब से, आप हार्डनेस, ओपेसिटी, फ्लो सब कुछ अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे उसके लिए दिया भी गया, जैसे कि अगर हार्डनेस हम रखेंगे 100%, यहाँ पे जो ब्लू वाला जो ऊपर में जो लाइन है ये अपने आप चलोगे। फ्लो अगर हम कम कर देंगे, ओपेसिटी अगर हम कम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे साफ हमें पता चल रहा है ओपेसिटी कम हो चुकी है। 100% करेंगे तो दोबारा यहाँ फुल हो जाती है, तो यहाँ पे आपको बता देगा। फिलहाल यहाँ ब्लर टूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने हल्का ब्लर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं शर्ट का जो मैंने ये हिस्सा जिस पे मैंने अभी ब्रश चलाया वो कितना बेहतरीन तरीके से ब्लर हो चुका है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इतना बेहतरीन ब्लर भी कर सकता है ये ऐप, क्योंकि फिलहाल पिछले जब मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने फोटोशॉप टच ऐप से DSLR लुक कैसे ले सकते हैं, तो उसमें मैंने इस तरीके से ब्लर करना नहीं बताया था। चलिए आगे मैं इसके बारे में बताऊँगा, पर यहाँ पे बहुत बेहतरीन ब्लर हुआ है। फिलहाल हम इसे भी बैक कर देते हैं और आते हैं हमारे चौथे टूल पे, जो है स्मज टूल। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि स्मज टूल, जैसे कि चेहरे पे अगर आपके कोई मतलब कि ब्लेमिश वगैरह है, दाग वगैरह है, तो ये बस उसे स्मूथ कर देगा। स्मज टूल नाम ही है स्मज टूल, तो ये भी एक अच्छा टूल है, हमें अच्छी जानकारी मिल गई है। काफ़ी लोगों को इसके इंटरफेस के बारे में नहीं पता है पीएस टच के, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इसके इंटरफेस, बहुत लोग कहते हैं बहुत पीएस टच हार्ड है, इंटरफेस समझ नहीं आता, पिक्स आर्ट ज़्यादा इजी है, बट नहीं ये भी बहुत इजी है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आते हैं हम अपने पाँचवें टूल की तरफ, पेंट टूल। जैसे पिक्स आर्ट में था पेंट वाला जो अलग से टूल था ना, वैसा ही है ये, बस और कुछ नहीं है बट सेम है, कलर वगैरह अपनी मर्जी से ले लो, आप सब कुछ अपनी मर्जी से ले लो। वहाँ पे राउंड था सिलेक्ट करने के लिए कलर, यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, सेम चीज़ है दोनों। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डॉट किया, बस साइज का अंतर हो जाता है, साइज़ भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये ऐसा था, देखो यहाँ पे पिक्स आर्ट में ऐसा भी कर सकते थे हम, सेम है, कोई हार्ड नहीं है। छठे टूल की तरफ हम यहाँ पे आते हुए इफेक्ट्स पेंट टूल। अब आप नाम से ही समझ गए होगा कि कहीं पे भी अगर हम किसी भी कोई भी इफेक्ट डालना चाहे पेंट करके, तो वो भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले इफेक्ट में जाऊँगा, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे 0 में रख दूँगा। हल्का सा इंक्रीज किया, हंड्रेड परसेंट हम पहले यहाँ पर रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले मैंने इसका सेट कर लिया कि मुझे कितना कौन सा इफेक्ट मुझे कितना चाहिए, इसके बाद हम वहाँ वहाँ पे ब्रश करेंगे जहाँ जहाँ पे हमें वो इफेक्ट चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पूरा कर दिया था, यानी कि पूरा वो वाइट हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब इसे भी हम एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पर और भी अपने टूल्स को यूज़ करना है। तो आते हैं अपने सातवें टूल की तरफ, जो है स्प्रे टूल। स्प्रे टूल जैसे हमें पिक्स आर्ट में अलग अलग टाइप के ब्रशेज मिलते थे, बस वैसा ही है स्प्रे टूल, जिसमें मतलब कि स्मेल का स्प्रिंकल टाइप करा था। जैसे कि मैं आपको करी के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का शर्ट पे करके दिखाऊँ। देखो यहाँ पे ब्रश ही टाइप का चल रहा है, बस वो ओपेसिटी थोड़ी सी कम है, स्प्रिंकल टाइप का हल्का है। तो बस इंटरफेस इसका कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी है ये स्टच भी। और हमारा जो आठवां टूल है वो है इरेजर टूल। पेंट जैसे पिक्स आर्ट में था हमारे, उसमें जो इरेजिंग करने का जो मोड था, ऐसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ इरेज करके। इरेजर का अपना साइज सेट कर ले, ओपेसिटी सेट कर ले और हार्डनेस सेट कर सकते हैं। इसमें फ्लो भी है, जैसे कि हमने यहाँ पर हल्का हल्का इरेज किया, बस ऐसे जैसे पिक्स आर्ट में इरेज करते थे हम। जो लोग पिक्स आर्ट नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी है। देख किस तरह से मैं इरेज करूँगा, बहुत इजी है ये भी। ये भी एक तरीके का मतलब कि बैकग्राउंड इरेज करने का, फिर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इरेजर टूल भी इसमें। तो इसे भी हम फिलहाल बैक कर लेते हैं।
और आते हैं हम अपने 9वें नंबर के टूल पे, क्विक सिलेक्शन टूल। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा क्विक सिलेक्शन टूल कि जितनी मतलब कि इसमें जल्दी से जल्दी अपना एरिया जो है हमें जो जिसे सिलेक्ट करना है कट करने के लिए या फिर इफेक्ट देने के लिए उसे हम जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही लाइन कर दिया, देखो बीच में यहाँ पे एक लाइन आ गया। देखो क्विक सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे आपको परफेक्टली यहाँ जो जॉ लाइन है उसके बगल से जाते हुए लाइन, अब परफेक्टली कैसे करें, यहाँ पे माइनस मोड मैंने ले लिया है। आप नीचे जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे मैं हल्का सा इरेज कर दूंगा, देखो आपका इधर आ गया। अब देखो सन ग्लास पे परफेक्टली यहाँ पे कट गया है। बस यही खासियत है मेरे हिसाब से पीएस टच की। यहाँ पे हल्का सा हम करेंगे, यहाँ पे देखो शर्ट का टेक्सचर समझ जाता है बैकग्राउंड का ये बस। और क्विक सिलेक्शन टूल फिर अगर हम प्लस के मोड पे आते हैं तो हमें ज़्यादा एरिया मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऐसे कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। प्लस माइनस कुछ नहीं बस एरिया की बात है कि अगर हम माइनस में करेंगे तो यहाँ पे छोटा एरिया कटेगा, अगर प्लस में करेंगे तो हम उसको एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, और कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल हम आते हैं अपने 9वें नंबर के टूल पे जो है मैजिक वेंट टूल। फिलहाल हम इस प्रोसेस को बैक कर लेते हैं, जो हमने काटा था उसे हमने बैक कर लिया, क्योंकि जिस एरिया को हम अगर दूसरे टूल से कट करेंगे, जैसे कि हमारे पास पहले हमने क्विक सिलेक्शन टूल से मतलब कि एरिया कट करने की कोशिश की थी, बट वो कंटिन्यू रहेगा अगर आप टूल चेंज कर देंगे तो, इसीलिए मैंने उसे बैक कर लिया आपको दिखाने के लिए। अब अपने मर्जी से कोई भी टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं बहुत आगे टूल है तो फिलहाल हमारे पास मैजिक वेंट टूल है। यहाँ पे मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, देखिए ये जो टेक्सचर जिसने लिया है ना ये हल्का ब्लर टाइप का इसने टेक्सचर ले लिया है, जहाँ जहाँ पे इसको लाइट कलर दिख रहा है इसने वही टेक्सचर ले लिया है और उसी को कट कर रहा है, इसीलिए मैजिक वेंट टूल बस यही है। अगर आपके मतलब कि बैकग्राउंड में अगर आपका सिंगल कलर बैकग्राउंड हो तो उसके लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा, या फिर बैकग्राउंड का टेक्स्चर पूरा सेम हो तो उसमें भी मैजिक वेंट टूल आपको मदद मिलेगी इससे। और जो हमारा 9वां नंबर का टूल है वो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 10वां नंबर का टूल है स्क्रिम्बल सिलेक्शन टूल। फिलहाल मैं पहले वाला इफेक्ट इस बैक कर दिया मैंने। अब स्क्रिम्बल सिलेक्शन टूल में क्या है कि जिस एरिया को आपने रखना है उस पर आपको कीप का पेन यानी कि ग्रीन पेन चलाना है। फिलहाल मैं मतलब कि देखता हूँ, ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मतलब कि इसने कम से कम इतना मैजिक वेंट टूल के तरफ से इतनी हेल्प मिल गई कि यहाँ पे देखिए शर्ट के तरफ से पूरा यहाँ पे इसने ले लिया। अब हल्का हल्का आपको रिमूव करना होगा खुद से, देखिए यहाँ पे पूरा ले रहा। अब अगर आपका शर्ट के अंदर वाले पार्ट में आ रहा था आप कीप का पेन ले के शर्ट के बाद पर फिर से कर लीजिए, यहाँ पे आ गया तो इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। हेयर के लिए सबसे बढ़िया टूल है, आप अपने हेयर के खाली आउटलाइन पे अपना ग्रीन पेन चला दीजिए और उसके आसपास में हेयर के जो बाहर वाला जो एरिया है उस पर आप रेड पेन चलाइए परफेक्टली, तो ये बहुत अच्छे तरीके से कट करेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी इजीली मतलब कि इसे कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। अब हम आते हैं अपने 12वें नंबर के टूल पे जो है ब्रश सिलेक्शन टूल। अब हमें जो जिस एरिया को रखना है, माफ कीजिएगा एक बार मैं बैक कर लूँ खाली, अब हमें जिस एरिया को रखना है उस पर हमें ब्रश चलाना होगा। जैसे कि अगर मैंने शर्ट वाले एरिया को रखना है तो यहाँ पे मैंने ब्रश चला दिया, देखो मैंने मेरा इतना एरिया जहाँ जहाँ पे जिस एरिया को मुझे रखना साइज में बड़ी कर सकता हूँ, ब्रश की साइज में बड़ी कर लूँगा, मैंने इतना एरिया पे ब्रश चला दिया, देखो मेरा इतना एरिया सिलेक्शन हो गया।
बस ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही मुझे पसंद आया ये भी टूल। अब जो है 13वें नंबर का टूल मैरक्यू सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे आप अपना मतलब कि यहाँ पे भी सिलेक्शन टूल है, पहले मैं बैक कर लूँ सारे जो पिछला मेरा इफेक्ट था ब्रश सिलेक्शन टूल का। तो मतलब कि मैरकी सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि आपका मतलब कि आपने ये ऐसे खींचा, कोई भी आपने राउंड शेप खींच दी, स्क्वायर खींच दी, स्क्वायर नहीं खींचाएगी यहाँ पे, रेक्टेंगल में मतलब कि साइड साइड जो कॉर्नर होंगे वो राउंड हो जाएंगे। और कुछ नहीं, और यहाँ पे हमने जैसे खींचा, देखो ये पार्ट हमारा कट रहा है और कुछ नहीं, कॉर्नर हमारे मर्जी पर, हम कितना भी इसे शार्प कर सकते हैं। कि अगर मैं इसे 0 पिक्सल कर लूँगा, देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर कट सकता है, स्क्वायर भी इसमें है। मैप के सिलेक्शन टूल में इतना ये भी बहुत अच्छा है। और अगर हम आते हैं अपने 13वें नंबर के टूल पे, तो हमें मिलेगा सर्किल सिलेक्शन टूल। मतलब कि ये भी वही राउंड आप कर सकते हैं, कहीं पे भी राउंड, ओवल, राउंड, आप उसी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बस उतना ही है। और आते हैं अपने 14वें नंबर पर टूल पे, तो लासो सिलेक्शन टूल। इसमें बस आपको एरिया सिलेक्ट करना है ऐसे, तो आपका इतना एरिया, आप जितना एक बार में आप जितना काट लोगे आपका उतना एरिया सिलेक्ट होगा। और ये हमारा लास्ट टूल है जिसका नाम है पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल। अब पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल में क्या होगा, आपने यहाँ पे एक डॉट किया, दो डॉट किए, तीन डॉट किए और ये चौथा डॉट आपने मिला के ट्रायंगल बना दिया, तो आपका यही एरिया मतलब कि यही एरिया अब आपका कट होगा। इसे आप बढ़ा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपना। देखो मतलब कि आपको उसी जहाँ जिस पॉइंट पे आपने शुरू किया था उसी पॉइंट पे आपको आखिरी पॉइंट जो रखना है, देखो ये एरिया भी कट रहा है। अब फिलहाल जो सवाल है वो है इफ़ेक्ट कैसे डालने हैं और एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे शर्ट है, मुझे शर्ट के एरिया को मतलब कि हल्का ब्राइट करना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैरकी सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। कॉर्नर के 0 पिक्सल्स, एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे खींच दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट में, सैचुरेशन को लूँगा और सैचुरेशन मैंने कर दिया 100 पिक्सल। बाकी एरिया के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये एरिया ज़्यादा मतलब कि सैचुरेटेड हो गया है, तो यानी कि इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट्स कैसे डालने, मतलब कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है। आपको कलर रिप्लेस करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने इतना एरिया सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे ब्लू कलर का जो एरिया, सैंपल में जाएंगे, ये वाला जो है इससे सिलेक्ट करेंगे, इससे सिलेक्ट कर इसे मतलब कि होल्ड किए रखेंगे, मुझे ब्लू वाला कलर सिलेक्टेड पढ़िए, इसकी एक मतलब कि वो है कि सिलेक्टेड एरिया में से ही आप कलर रिप्लेस कर सकते हो। इसमें से मैंने ब्लू वाला कलर ले लिया है, रिप्लेस में जाएंगे रेड ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो हल्का हल्का रेड आ रहा है। परफेक्टली अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा मतलब कि फास्टली हूँ तो इसीलिए। अब इसके बाद जो सवाल आता है वो है कि अगर हमने ये एरिया सिलेक्ट किया है और जो मेरा बाकी एरिया, अब हमें उसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इनवर्स। इनवर्स का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे मैं बैक कर चुका हूँ, फिर से एक बार हम यहाँ पे स्क्वायर खींचेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो इनवर्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब हम मेरा जो इफेक्ट होगा वो स्क्वायर वाले पार्ट के बाहर में होगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ब्लैक एंड वाइट किया तो देख सकते हो आप स्क्वायर वाले बाहर का जो पार्ट है उसमें सारा ब्लैक एंड वाइट हो गया। अगर मैं फिर से इसमें इन्वर्स कर दूंगा, माफ़ कीजिएगा, पहले मैं इस इफेक्ट को बैक करना होगा। अगर अब मैं इन्वर्स कर, मतलब कि इन्वर्स तो मैंने पहले अभी किया जस्ट, अब मैं अगर ब्लैक एंड वाइट करता हूँ तो पूरा सिलेक्ट हो गया है क्योंकि मैंने बैक कर दिया था। फिर से एक बार हमें सिलेक्ट करना होगा, ऐसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, इन्वर्स किया, फिर से इन्वर्स कर दिया। अब ब्लैक एंड वाइट हम करके देखते हैं, देखो मैं हमारे स्क्वायर वाले पार्ट में ही ब्लैक एंड वाइट पूरा हो गया। अब आपका इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इफ़ेक्ट कैसे डालने हैं और एडजस्टमेंट कैसे करनी है। इफ़ेक्ट आप कैसे भी डाल सकते हो, मैंने आपको जो पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने फ़ोटो पे DSLR लुक कैसे ले सकते हो PS टच के थ्रू,
नॉर्मल फ़ोटो को DSLR फ़ोटो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप इफेक्ट्स में जाओगे, बेसिक में जाओगे, गॉशियन ब्लर कर दोगे, ब्लर अपने हिसाब से, ज़्यादा ब्लर मत करो नहीं तो वो फेक लगने लगता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से कम ब्लर रखो ताकि वो अच्छा लगे देखने में। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया, अब आपको अलग अलग इफेक्ट मिल जाते हैं, डायरेक्शन ब्लर, शार्पन, ड्रॉप शेडो, ग्लो, बेवल, ऐसे बहुत से इफेक्ट हैं, स्टाइलिश आर्टिस्टिक फोटो। अब और एक सवाल है कि यहाँ पे बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, बस सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे प्लस का साइन है, आपको इस पर क्लिक करना है, फ़ोटो लेयर लेनी है, कोई सा भी आप बैकग्राउंड ले लो, फोटो लाइब्रेरी, अब कोई सा भी बैकग्राउंड आप ले लो, ऐड कर दिया मैंने, ये हमारे पहले नंबर पे आ जाएगी, पहले नंबर का लेयर पे आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड, इसे दूसरे नंबर पे कर लेंगे और पहले वाले लेयर के नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको बैकग्राउंड कट करना है, देखो मान के चलो कि आप यहाँ पे लोगे मैक्यू सिलेक्शन टूल और यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने खींच दिया है। अब जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसे मुझे रखना है बैक फोरग्राउंड में, और जो बाकी जो एरिया बचा है स्क्वायर के बाहर जो है उसे मैंने हटा देना है। तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे लेयर पैनल में, इस लेयर को सिलेक्ट कर रखेंगे जिस पे हमने काटा, मतलब कि जिस पे हमने सिलेक्ट किया है, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, डन, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, और जो लेयर पे हमने किया था उसे अब हम डिलीट कर सकते हैं, लेयर यहाँ पे लेयर के साइन पे क्लिक करके डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने सिलेक्ट किया था उतना ही एरिया फोरग्राउंड में आया है और बैकग्राउंड यहाँ। ऐसे ही आप अगर बैकग्राउंड पे चाहे तो आप अपने बैकग्राउंड पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, ब्लर करना हो बेसिक में जाके आप ब्लर कर दो। बैकग्राउंड आपका पूरा ब्लर हो चुका है, बट सिलेक्टेड पार्ट। अब आप समझ गए होंगे कि इस PS टच का क्या क्या मतलब कैसा इंटरफेस है, आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा तो आपको और इजी लगने लग जाएगा। तो अभी तो मैं इतना ही, और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, तो एक और गिफ्ट मैं ज़रूर दूंगा 100 सब्सक्राइबर्स पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, जाके लाइक कर लो यार, अपडेट मिलता रहेगा। और उसी में इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट जो है उसकी भी लिंक दी गई है, जाके मुझे फॉलो करो। बहुत जल्द यार कमेंट में अपनी जो डिमांड है वो लिखो, लाइव क्यू एन ए करना है तो वो भी करूँगा, बस इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another.